हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है गाइस। और आज हम अपने कुछ घर के न्यू पट्टे जो इस बार निकले हैं उन सभी का आपको मैं शॉक कराने वाला हूं। और आप लोग कमेंट करिएगा कि गाइस हमारे सारे पट्टे आप लोगों को कैसे लगे हैं। तो गाइस, आज का वेदर तो बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, पूरा आसमान एकदम पूरा क्लीन है। और अपने सारे कबूतर अभी खा पी के अंदर मस्त धुक गए और कुछ ये रहे स्टैंड के ऊपर बैठे हुए हैं। और हमारे जो घर के जो पट्टे थे वो सब अभी हमारे उस वाले लॉफ्ट में अभी बंद है, फिलहाल अभी बंद है। तो उनको अभी आप लोगों का पास एक एक करके स्टॉक कराया जाएगा। उससे पहले आपको हम अपने घर के पट्टे को दिखा देते हैं कि कैसा है, सब है पूरा एक साथ, सारे के सारे घर के पट्टे इसी में हैं। ये सब देख सकते हैं, कुछ यहाँ है, कुछ उस कॉर्नर में है। तो आपको सब एक एक करके आपको हर एक पट्टे का स्टॉक कराऊंगा वो भी अच्छे से। तो गाइस, पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ पहले। और गाइस, आज हम सोचे कि आप लोग को अपने घर के पट्टे को दिखा दिया जाए कि कैसा निकला है। और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे क्वालिटी में निकला है। उन सभी का स्टॉक आपको हम बहुत अच्छे से और बहुत उसका नस्ल भी बताएंगे कि कौन सा नस्ल का निकला है। तो चलिए गाइस, वीडियो को वैसे लेट नहीं करते, आपको हर एक पट्टे का स्टॉक कराया जाए और दिखाया जाए कि कौन सा कैसा नस्ल का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको मैं सबसे पहले एक जीरे कबूतर का स्टॉक कराने वाला हूँ जो हमारे घर का ही एक पट्टा है और बहुत ही शानदार है। तो गाइस, ये रहा वो पट्टा और आप इसका शौक करिए गाइस, बहुत ही शानदार आँखों में है इसका। गाइस पूरा तरह से अभी छाई कलर में है, ग्रे कलर जिसको आप बोल सकते हैं। अभी आँख तो क्लियर नहीं, आप देख सकते हैं। और इसका पर देखिए गाइस, इसका पर भी यहाँ से मैं काट दिए हैं। और क्यों काटे गाइस आपको हम बताने वाले। और गाइस, इसका पर का क्वालिटी देखिए, नंबर वन क्वालिटी का बच्चा निकला है। इस साइड का भी सेम है, पर देखिए बहुत ही ज़्यादा मस्त बच्चा निकला है। और इसका दुम देखिए, पूरा बंद कबूतर का दुम है, ये बंद टेल का दुम। और गाइस, इसका पाठ देखिए गाइस, बहुत ही मस्त है, जामुनी पंजे, वाइट नाखून और वाइट चोच, आप देख सकते हैं मोमिया चोच है। और छोटे चोच का बच्चा है गाइस, देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और इसका ओवरऑल व्यू देखिए। और इसी का ही गाइस एक बहन है, ये तो उसका भाई है, इसका बहन का आपको शौक कराते हैं गाइस, वो भी बहुत ही अच्छे बच्चे में निकली है। तो चलिए इसका बहन का भी शौक कराते हैं अभी आपको हम। ये देखिए गाइस, ये उसी का ही बहन है। और गाइस, ये पूरा पूरी सेम आँखों में, और गाइस बहुत ही खूबसूरत बच्चा निकला है। तो चलिए इसका भी आँखों का शौक कराते हैं गाइस, सेम टू सेम आँख है, आप देख लीजिए इसका भी पूरा सेम आँख है पूरा। इसका आँख पर फोकस कर रहे हैं, देखिए गाइस पूरा सेम आँख है इसका। और मोमिया चोच, इसका भी मोमिया चोच है देखिए। और इसका पर बहुत ही अच्छा है, इसका पर नहीं काटेगी गाइस, ये बहुत अभी छोटा है तो इसका पर में भी ब्लड आ सकता है इसलिए नहीं काटे। गाइस पर का क्वालिटी देखिए गाइस, आप लोग देखिए पर में कितना वाइब्रेशन है, देखिए सिर्फ पकड़ के रखे तो पर में देखिए वाइब्रेशन चेक कर लीजिए गाइस, बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन है इसका। ये देखिए पर का क्वालिटी गाइस बहुत ही मस्त है, मुझे तो गाइस इसका पर का क्वालिटी बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग बोलिए कैसा लगा। और गाइस ये देखिए, उसका भाई तो बंद दुम का था, लेकिन ये देखिए गाइस, ये खुले दुम की कबूतरी है, ये एक फीमेल कबूतर है गाइस, आप लोग इसका शौक करिए और बताइए गाइस कैसा लगा। और अभी दूसरा पट्टा लाते हैं। और ये देखिए गाइस, आप लोग बताइए गाइस ये किसका बच्चा हो सकता है। और इसका आँख देखिए गाइस, बहुत ही शानदार आँख है, इसका आँख आपको दिखाने का कोशिश कर रहा है गाइस, लेकिन आप देखिए बहुत ही शानदार आँख है इसका। और इसका चोच देखिए गाइस, बिल्कुल वाइट चोच है इसका, बिल्कुल वाइट चोच। और गाइस इसका पर देखिए, तो ऐसे भी बताते हैं इसका पर हम क्यों काटे हैं, मैंने और भी बच्चों को देखे होंगे कि पर हम क्यों काटे हैं। और इसका भी बता रहा है, पहले आप पर का शौक कर लीजिए गाइस, पर तो गाइस पूरा नंबर वन क्वालिटी में गाइस पर है इसका। और इसका दुम देखिए गाइस, पूरा खुले दुम का कबूतर है। और गाइस दुम बहुत ही ज़्यादा मस्त है, आप देख सकते हैं इसका दुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर दुम है इसका। तो गाइस इसका भी एक और जोड़ा है मेरे पास, उसका भी शौक कराते हैं। तो गाइस पहले बताते हैं कि इसका पर मैं क्यों काटे, तो उसका एक ही रीज़न है, हमारे पास बहुत सारे पट्टे तो होते हैं लेकिन कौवा उन पर अटैक कर देता है और उसका पीछे पड़ जाता है, इसके कारण बहुत सारे पट्टे डर के भाग जाते हैं। पहले भी हमारे पास एक लाल जीरे कबूतर का बच्चा था, उसका भी गाइस पट्टा दूर चला गया, वहाँ चला गया और भाग गया और फिर वापस कभी नहीं आया। और भी गाइस बहुत सारे बच्चे जो निकलते नए नए उड़ के कहीं गिर जाएंगे, इसीलिए हम उनका पर काट लेते हैं ताकि उन लोग जब अपना पर जब फेंकते हैं नौ पहली कली दूसरी तीसरी ऐसे जब करते हैं तब उनका पर सही हो जाता है। तो गाइस आप इसका पूरा ओवरऑल व्यू देखिए। और गाइस ये पट्टा तो हमारे
मोतिया कबूतर के बच्चे हैं। ये है और एक है जो अभी, ये तो उसका भाई है, इसका बहन को दिखाते हैं अभी आपको हमारे मोतिया कबूतर के बच्चे। और भी एक निकला हुआ है लेकिन अभी वो छोटा है, तो उसको आपको बाद में कभी शौक करा देंगे शॉर्ट वीडियो में या कभी और कभी। तो इनका भी, इसका भी बहन को लाते हैं। ये देखिए गाइस, उसका ये बहन है हमारे मोतिया कबूतर का दूसरा बच्चा, जो मैं मोतिया के पास से नहीं निकलवाए हैं, मैं किसी और के पास से निकलवाए हैं बच्चे। तो गाइस आप लोग देखिए इसका ग्रोथ कैसा हुआ है। और गाइस ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बच्चा है, तो आप लोग भी इसका शौक कर लीजिए सामने से। गाइस बहुत ही शानदार क्वालिटी का बच्चा है, इसका भी चोच देखिए और पा का क्वालिटी पूरा सेम टू सेम वाइट चोच वाइट नाखून। और इसका पा में देखिए मैं बाला भी डाल दिए हैं, ये जो छनछन करता है। और गाइस इसका भी लेज बहुत ही सुंदर है, खुले दिन के कबूतर है, मतलब ये भी कबूतरी है गाइस फीमेल, ये बड़ी होकर फीमेल निकलेगी। और इसका वो तो नर नर निकलेगा, इसका पहला वाला बच्चा था, और ये फीमेल निकलेगी। तो गाइस इसका भी क्वालिटी बहुत ही देख लीजिए। तो गाइस इसका पर देख लीजिए गाइस, बहुत ही शानदार कबूतर है। और इसका पर में भी गाइस देख लीजिए वाइब्रेशन, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का गाइस बच्चा है, एक अच्छा नस्ल का सुरबाग गाइस ये मोतिया कबूतर का बच्चा है। इसका भी देख लीजिए गाइस, पर में वाइब्रेशन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बड़े वजूद की कबूतरी है गाइस। ये देखिए बहुत ही शानदार है ये। तो गाइस अभी हम अपने सबसे अच्छे मैंने कबूतर के बच्चे दिखाए थे जो हमारे पास बहुत अच्छे उड़ते हैं गाइस। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा शानदार कबूतर है, और इसके जो माँ बाप हैं हमारे पास, हमारे घर में उड़े तो नहीं है लेकिन उनके जो बच्चे जो रिजल्ट देते हैं वो आप लोग को सुनेंगे, तो आप लोग भी सुनेगा गाइस बहुत ही ये करिएगा। तो वैसे उसका जो पहला बच्चा जो जीरो कली का था हमारे पास, सबसे पहला बच्चा दो हुआ था तो एक मर गया दूसरा बच्चा, तो बस वो बच्चा तो जीरो कली में 3-4 घंटे तक दम कर लेता था, वो भी जीरो कली में भी अकेले आसमान के अंदर पूरा गत जाता था। तो वैसे उसी का ही ये तीसरा बच्चा है, पहला बच्चा हो गया उसमें से एक बचा था, दूसरा बच्चा में दो आया था, तो गाइस आंधी में एक बच्चा निकल गया, एक बचा है वो भी हमारे पास बहुत ही शानदार उड़ता है। अब ये तीसरा जनरेशन है गाइस उसी कबूतर का। तो गाइस आपको शौक कराते हैं, ये हमारे मैड्रस कबूतर का बच्चा है, इसका ब्रीड का नाम है मैड्रस। और आप लोग पापा क्या क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा छटपट बच्चा है और हाथ में नहीं रुकता है, लेकिन तो भी गाइस इसको मैं पकड़ कर रखे आप लोग को शौक कराने के लिए। तो गाइस देखिए सबसे पहले इसका आँख का क्वालिटी चेक करिएगा, बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वालिटी का इसका आँख है, और आप लोग भी बताइएगा इस कैसा लग रहा है इसका आँख आपको। और क्योंकि फोकस करते हैं और देखिएगा इस कैसा है आँख का क्वालिटी, देखिएगा इस चोच देखिएगा इस पूरा मोमिया चोच इसको बोलेंगे। और इसका पर का क्वालिटी देखिए, इसका भी पर मैं बहुत काट के रखें क्योंकि ऐसे बहुत ही ज़्यादा छटपटिया बच्चा है, और कोई भी हमारे छत पे जो भी आता है उससे डर जाता है, तो इधर उधर भागने का चांस हो जाता है, क्योंकि ये बच्चे फर्स्ट में अपने घर को अगर अच्छे से पहचान लेंगे तो जितने दूर भी रहे क्यों ना ये अपने घर वापसी करने का गारंटी है इस ब्रीड का। इस ब्रीड का गाइस एक ही खासियत है, अगर ये अपना छत पहचान जाते हैं तो गाइस जितना भी दूर क्यों ना रहें ये अपने घर वापस जरूर आते हैं। और इसी चक्कर में गाइस इसको थोड़ा अच्छा से घर को दिखलाना पड़ता है गाइस। और ये दूसरा साइड का आग देखिए, बहुत ही शानदार आग है गाइस, और इसका ओवरऑल बॉडी, और गाइस इसका भी दुम बंद दुम का कबूतर है। और गाइस बॉडी इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, इस बहुत ही शानदार कबूतर है, कोई भी तरह का ये नहीं। और देखिएगा पर का लास्ट में ये सादा रंग का निशान, दो ऐसे सादा रंग का जो निशान होता है बहुत ही अहम करता है एक हाई फ्लायर कबूतर में, जो आप देख सकते हैं इधर भी सादा रंग का निशान है और इधर भी सादा रंग का निशान है। ये गाइस एक निशानी होता है हाई फ्लायर पिजन में कि ये दम करने वाला गाइस इस ये अभी अगर इसको अभी अगर हम उड़ाएं ना तो 3 घंटा से बेसी ये नीचे नहीं उतरेगा, 3 घंटे तक उड़ते रहेगा, अभी ये जीरो कली में ही उड़ेगा। और अभी गाइस इतना पैसा काट देने के बावजूद भी इसका अभी भी इतना दम है कि 1-2 राउंड तो नीचे में मार ही सकता है, ऐसा इसका दम है। तो गाइस इसका ही आपको एक साथी दिखाते हैं, इसी का ही जोड़ा है। तो चलिए गाइस इसका शौक कराते, ये बड़ा है वो छोटा लगा आपको शौक कराते हैं। ओ गाइस इससे भी ज़्यादा छटपटिया है और वो हाथ में रहने मांगता ही नहीं, आप लोग देखिएगा कि कैसा लगता है वो। तो देखिए गाइस अब जो आपको दिखाने जा रहे हैं आप इसको पहले ही देख लीजिए कि कितना ज़्यादा छटपटा रहा है, हाथ में रहने नहीं मांगेगा, इतना ज़्यादा छटपटाया कि कुछ कहने का नहीं। तो गाइस इसका शौक कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन तो भी आपको शौक कराते हैं। देखिए इसका आग का क्वालिटी देखिए गाइस, बहुत ही मस्त है, वो उससे छोटा बच्चा है ये वाला। और इसका चोच का क्वालिटी देखिए गाइस, चोच ये दूसरा साइड का आँख, और गाइस इसका ये पर, इसका पर गाइस काटने के बावजूद भी उड़ता है, वो तो थोड़ा मोड़ा उड़ता है लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा बड़ा राउंड काटता है। लेकिन गाइस आप लोगों का दुआ की वजह से ये बच्चा तो ज़ाया नहीं होता है, तो आप देख सकते हैं
ये इसका पूछा क्वालिटी, इसका पंजा देखिए गाइस, पूरा पूरी जामुनी पंजे और ब्लैक नाखून, क्वालिटी देखिए गाइस। आप लोग बोलिए गाइस आप लोगों को ये कबूतर कैसा लगा। तो गाइस मैं आप लोगों को अपने घर के पूरे पीछे पट्टे जो दिखाए हैं आप लोग उनसे बहुत अच्छे लगे गाइस, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम जो वीडियो बनाते हैं गाइस उसके बारे में बताइए कि हम जो वीडियो बनाते हैं हमारे सारे कबूतर उनको कैसे लगते हैं। तो गाइस एक ब्रीडिंग प्रोग्रेस का भी वीडियो आने वाला है, ये तो हमारे घर के जो पट्टे निकले तो उसका वीडियो था, और हमारे लॉफ्ट में कितने सारे अंडे बच्चे उसका भी वीडियो आने वाला है, तो आप लोग इंतजार करिए उसका भी वीडियो जल्दी आने वाला है। तो गाइस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ऐसे अच्छे वीडियो पाने के लिए, और अगर आप लोग और भी अच्छे वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।